आप सभी को BN चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर, कमेंट्स, लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आइए जानते हैं भगवान गणपति जी को विसर्जन करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी को लाल चंदन, लाल पुष्प, दुर्वा, बेसन के लड्डू, पान, सुपारी, धूप दीप आदि गणपति जी को अर्पित करें। तत्पश्चात परिवार के साथ हवन, यज्ञ, पूजन, उसके पश्चात गणपति जी की आरती करें। इसके बाद एक पोटली में लड्डू और दक्षिणा बांधकर गणपति जी के हाथ में दें। इसकी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी अपने घर लौटते हैं और सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए भगवान गणेश आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। बोलिए गणपति महाराज की जय।